हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम बात करेंगे कि आपका बोर्ड का जो पेपर होगा, ठीक है, वो किस तरीके से आएगा, यानी कि क्या डिजाइन होगा उसका। तो देखो, यहाँ पर आपके पास जो सीबीएसई ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर बताया है 2023 और 24 के लिए, ठीक है, उसमें देखो, ये तो आपको पता ही है यहाँ पर कि जो टोटल मार्क्स का होगा आपका एग्जाम, वो होगा कितने का, 70 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का होगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे टोटल, वो कितने होंगे, 33 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 सेक्शंस दिए होंगे क्वेश्चंस में, मतलब सेक्शन ए होगा आपके पास, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी, डी और ई, क्लियर। सभी सेक्शंस करने आपके लिए जरूरी होंगे, क्लियर। अब देखो, जो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पे जो आपको बात बताई गई है, वो क्या है कि जो सेक्शन ए है उसमें 16 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, 16 सेक्शन ए के अंदर, ठीक है, और 1 मार्क के होंगे ये, ठीक है। एमसीक्यूज होंगे इसमें 12, ठीक है, 12 क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और जो 4 होंगे वो कौन से होंगे, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क के, ठीक है। इन क्वेश्चन में याद रखना, सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं होगी आपके पास, ठीक है। देखो, 16 नंबर के हो गए, आप लिखते भी रहना, सेक्शन ए में 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 16 क्वेश्चन है, 1 1 मार्क के हैं, 16 ही है, ठीक है। 12 जिसमें क्या है, एमसीक्यूज हैं, और जो 4 है उसमें असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देखो कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स के होंगे, तो यानी कि यहाँ से कितने मार्क्स हो गए आपके, 10 मार्क्स हो गए, ठीक है। 16 पहले और 10 ये वाले हो गए सेक्शन बी के, ठीक, क्लियर है। सेक्शन बी में याद रखना चॉइस होगी यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है, किसी एक में। सेक्शन सी जो है आपका, इसके अंदर देखो आपके पास क्या है, 7 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स के होंगे ये, ठीक है। इसमें भी आपके पास चॉइस मिल जाएगी एक क्वेश्चन के अंदर। और जो सेक्शन डी होगा आपका, ठीक है, सेक्शन डी है आपके पास कौन सा, केस स्टडी बेस्ड, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड है और 4 मार्क्स के होंगे इसमें और 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 4 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, इनमें भी आपको चॉइस मिलेगी दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब कि 4 क्वेश्चन दिए होंगे एक्चुअल में, तो एक क्वेश्चन जैसे दिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी वहां पर, कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसी के चॉइस में दूसरा भी दिया हुआ है, फिर अगला क्वेश्चन है उसी के चॉइस में दूसरा भी दिया हुआ है, इस तरीके से है। मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, 2 करने होते हैं। सेक्शन ई में जो है आपके पास, देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ई के अंदर और 3 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, ठीक है, इसमें भी आपको चॉइस मिलती है यहाँ पर, ठीक। अब जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर, उसने क्या बोला हुआ है आपको कि देर इज नो ओवरऑल चॉइस, मतलब ये नहीं है कि 40 क्वेश्चन दे दिए उसने और उसमें से आपको बोलता है कि 33 करने, नहीं, इंडिविजुअल क्वेश्चन में चॉइस देता है वो, इंटरनल, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर, इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन इन सेक्शन बी में, 1 क्वेश्चन इन सेक्शन सी में चॉइस मिलेगी आपको, 1 क्वेश्चन जो होगा आपका, 1 क्वेश्चन इन ईच, यानी कि जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सीबीक्यू मतलब क्या है यहाँ पर, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में चॉइस होगी, क्योंकि वो बोले ना 1 क्वेश्चन इन ईच, ईच में चॉइस होगी, ठीक है। और जो आपके पास सेक्शन ई है, ठीक है, 3 क्वेश्चन है उसके अंदर, यहाँ पर वो क्या बोलते हैं आपको, 3 क्वेश्चन है जो सेक्शन ई में, कि यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी, हर एक में क्वेश्चन में क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी सेक्शन ई में भी आपके पास, ठीक है। तो 6 पॉइंट हमारा क्या है कि कैलकुलेटर्स इज नॉट अलाउड, ठीक है जी। और यहाँ पर ये देखो आपके पास, यहाँ पर जो ये मैंने आपको बोला हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट जो आपके पास टर्म्स होते हैं कई बार, उनकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आपके पास देखो दी होती है, ठीक है। तो याद करने की इनको जरूरत नहीं होती, जैसे एप्सिलॉन नॉट अभी आपको कराया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है, इस तरह की ये सारी वैल्यूज, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ये सब एवोगैड्रोस नंबर, इनकी सबकी आपको वैल्यूज गिवन होंगी, तो इन पे आप टाइम मत लगाना याद करने में, ठीक है। अब देखो जरा सेक्शन ए में हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, देखो यहाँ से देखते हैं अभी, पहले हम सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन थे 1 मार्क के, तो 16 ये हो गए। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स ये हो गए। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है आपके पास 3 मार्क्स के, तो 7 3 21 के ये हो गए आपके पास सेक्शन सी में। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के आपके पास, यानी कि 8 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, यानी कि 15 नंबर के होंगे। आप इन सबको ऐड करना, आपके पास 70 का आ जाएगा, क्लियर है कहानी या नहीं, बताओ। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख के भी बताऊँ, सेक्शन ए में कितने थे आपके पास, 16 नंबर के थे, 16 क्वेश्चन थे। सेक्शन बी में आपके पास 5 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, तो यानी कि 10 मार्क्स का ये हो गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। और सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के, यानी कि 21 का ये हो गया आपके पास, ठीक है। और सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के, यानी कि 8 मार्क्स का ये हो गया आपके पास, ठीक है। और सेक्शन ई के अंदर आपके पास कितने थे, 3 क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के, तो यानी कि 15 मार्क्स का ये हो गया आपके पास। तो ये यहाँ पर कितने नंबर हो गए टोटल, आप ऐड करोगे तो देख लो, 6 7 और 8, 15 और 5 कितना हो गया, 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20, ये 0 आ गया 20 का, 2 और 1 3 और 1 4 5 6 और ये 7, देखो 70 मार्क्स के पूरे हो गए, क्लियर है इतनी बात। अब देखो जरा, जैसे सेक्शन ए है, देखो एमसीक्यूज बोल रहा था उसने, तो देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर सेक्शन ए में, ठीक है। 12 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे ये देख लो आपके पास यहाँ पर, ठीक है, 12 तक हम चलेंगे,
ये देखो आपका 12th तक ये आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले, ठीक। फिर 13 to 16 हमने बोला था कौन से होंगे, असर्शन रीजनिंग बेस्ड होंगे, तो ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड वाले आ गए, ये भी 1 मार्क्स के ही है लेकिन, ठीक है। तो 16 तक, 1 से लेकर 16 तक 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। सेक्शन बी में जो है आपके पास, देखो मैंने बोला था एक जो क्वेश्चन में जो है चॉइस आएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो सीबीएसई ने बताया हुआ है आपको, ठीक है। सेक्शन बी में देखो 2 मार्क्स का होगा क्वेश्चन जो होगा, और टोटल क्वेश्चन कितने थे यहाँ पर, 5 क्वेश्चन थे हमारे 2 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स का ये था सेक्शन। तो ये देख लो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन आपको करने होंगे, लेकिन 21 क्वेश्चन में देखो चॉइस दे दी, तो इसलिए वो बोल रहा था ओवरऑल में चॉइस नहीं है, किसी इंडिविजुअल क्वेश्चन में चॉइस होगी। तो जैसे 21 में दे दी, या तो ये वाला आप करोगे यहाँ पर, या तो ये वाला करोगे, ठीक है, या ये वाला क्वेश्चन करोगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। सेक्शन सी में देखो ये कितने मार्क्स के थे आपके, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे आपके पास, ठीक है। इसमें भी चॉइस बोल दी थी उसने किसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन चलेंगे आपके यहाँ पर, ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 28, इसका देखो 28 का ए पार्ट है और बी पार्ट है, फिर उसने चॉइस दे दी आपको यहाँ पर, अगर देखो आप ये देख पा रहे हो ये वाली चॉइस दे दी इसने, ठीक है, 28 क्वेश्चन में। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ये 28 क्वेश्चन था आपका ये वाला, ठीक है। इसमें ए और बी हो गया, एक क्वेश्चन ही हो गया ए और बी वाला, ठीक है। उसके बाद और में उसने क्वेश्चन दिया था आपको करने को, क्लियर है, तो यहाँ चॉइस यहाँ मिल गई। अब सेक्शन डी में जो है आपके पास देखो 29 क्वेश्चन है ना, ये कौन से क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है सेक्शन डी में जो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे ये 29 क्वेश्चन है, इसमें भी चॉइस मिलेगी आपको, देखिए ये देखो 29 क्वेश्चन में फिर और आ गया ना यहाँ पर, तो ये चॉइस आ गई आपके पास, ठीक है। फिर 30th क्वेश्चन है, इसमें भी चॉइस होगी आपके पास, 2 क्वेश्चन है सेक्शन डी में 4 मार्क्स के, ठीक है। तो ये देखो जरा यहाँ पर आपके पास, ये देखो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में जैसे आपको यहाँ पर चॉइस मिल जाएगी, क्लियर है, ठीक है, समझ रहे होंगे बात को। तो मतलब सेक्शन डी में हर क्वेश्चन में चॉइस है, 2 ही क्वेश्चन है, दोनों में चॉइसेस मिलेंगे आपको, ठीक है। सेक्शन ई में भी वही है कहानी, यहाँ पर भी आपको चॉइस मिलेगी, जैसे आप देख रहे हो सेक्शन ई था हमारा 5 मार्क्स के थे ना, 3 क्वेश्चन थे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो जैसे 31st हो गया ये आपके पास, ठीक है, ये हो गया। इसमें और में भी दिया हुआ है आपको, क्लियर हो रही होगी बात, ठीक है। तो 31st में भी और में मिल गया आपको। अब ये 32 है जैसे आपके पास ये वाला, ठीक है, इसमें भी क्या होगा यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो इसमें भी चॉइस मिल गई यहाँ, ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही है, ठीक। और ये तो आपको पता है स्टेप मार्किंग होती है यहाँ पर, अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे होती है मार्किंग। देखो अब यहाँ पर देखो ये आपके पास 33rd क्वेश्चन है जो, ठीक है, इसमें भी आपके पास देखो चॉइस मिली हुई है, ये देखो यहाँ ये चॉइस है, क्लियर है इतनी बात, ये देखो यहाँ चॉइस है ना, क्लियर है। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनमें आपको चॉइस मिलनी मिलनी है, क्लियर है इतनी बात, ये चीज आपके समझ में आ गई। अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि मार्किंग स्कीम क्या है इनकी, ठीक है। तो चलो वहीं पर चलते हैं मार्किंग स्कीम में, ये देखो जो सैम्पल पेपर दिया हुआ है उसी में ही सीबीएसई ने आपको देखो मार्किंग स्कीम भी बताई हुई है कि बच्चे आंसर लिखेंगे उसमें, क्वेश्चन के आंसर जब लिख दोगे आप शीट पर अपनी आंसर शीट पर, तो मार्क्स कैसे देगा एग्जामिनर आपको। तो देखो जरा यहाँ पर देखो आपको पता है 1 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन थे वो 1 मार्क के थे, तो इसमें तो सिंपल सी बात है, लिखोगे आंसर तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इसमें तो क्या ही स्टेप मार्किंग होगी, क्लियर, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो वाली बात है, ठीक। सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो हमारे सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा जैसे हमारा 17th क्वेश्चन था, उसमें देखो पहले ए पार्ट में आंसर हो गया 1 मार्क का, फिर बी में अगर सर्किट डायग्राम है वो 1 मार्क का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 18 क्वेश्चन में देख रहे हो आप, ऐसे स्टेप वाइज देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखो हाफ यहाँ मिला, हाफ यहाँ, हाफ यहाँ, हाफ यहाँ, इस तरीके से स्टेप मार्किंग जो है आपकी चल रही है यहाँ पर, ये चीज दिख रही है ना आपको, ये देखो यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है आपके पास, ठीक है, स्टेप मार्किंग में चल रही है कहानी। तो यानी कि इस तरीके से कहानी यहाँ पर चलती है आपकी, ठीक है। जैसे 19th क्वेश्चन है, इसमें भी यही है कि न्यूमेरिकल है तो इतने पार्ट अगर आपने किया तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा ये, ठीक है, और नीचे का पार्ट अगर आगे सोल्व कर दिया तो 1 मार्क यहाँ मिलेगा। मतलब इस तरीके से स्टेप मार्किंग है, ऐसा नहीं है कि पूरा सोल्व करेंगे तभी मार्क्स देंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि थोड़ा ही आता है तो उसके भी आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मार्किंग ये बताई हुई है आपको, देख लो यहाँ पर, ये देखो यहाँ भी किस तरीके से आपके पास, यहाँ पर देखो ये मार्किंग किस तरीके से बताई है, हाफ हाफ मार्क की या नहीं, ये देखो ये क्लियर है, समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम चलें अपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, देखो सेक्शन सी में, सेक्शन सी में भी अगर आप देख रहे हो इसी तरीके से मार्किंग है आपकी, स्टेप मार्किंग है, ठीक है। तो मतलब जितना आप आंसर लिखोगे उसके हिसाब से आपको वहां पर मार्क्स मिलेंगे, क्लियर है इतनी बात या नहीं, देख रहे हो किस तरीके से नंबर दिए हैं, क्योंकि ये कितने मार्क्स का था आपका, 3 मार्क्स का, तो देखो हाफ यहाँ मिल गया, 1 यहाँ, 1.5 हो गया, हाफ यहाँ, 1 यहाँ, तो कितने हो गए, 3 मार्क्स हो गए टोटल, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन में आपके यहाँ पर जो है नंबर आपको मिलते हैं, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, क्लियर हो रही होगी बात, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि स्टेप मार्किंग आपकी होगी एग्जाम में, क्लियर है। तो ये सब आप देख ही रहे हो किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है मार्क्स को, 3 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो आपको किस तरीके से नंबर मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब जैसे हम बात करें इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन वालों की, तो चलो 4 मार्क्स वालों पे चलते हैं।
देखो 4 मार्क्स वाले में भी इसी तरीके से होगी आपके पास। देखो ये जैसे सेक्शन डी है आपके पास, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितने ऑप्शंस थे, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। क्लियर है, समझ रहे होंगे बात आपको या नहीं। ये देखो जैसे यहाँ पर एक आपने ऑप्शन का आंसर दिया तो 1 मार्क मिल जाएगा, इसमें वन, इसमें वन, इसमें वन, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज हो रही है। क्लियर है इतनी बात, बताओ। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करें सेक्शन ई में, ये क्या है हमारा 5 मार्क्स का है और 3 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। ये देखो मैंने बोला हुआ है यहाँ, जैसे 31st का तो डायग्राम का 1 नंबर हो गया आपके पास यहाँ, ठीक है। डेरिवेशन करोगे 2 मार्क्स की होगी, न्यूमेरिकल हो गया 2 मार्क्स की होगा, टोटल 5 हो गए 31st क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेप मार्किंग है आपकी, ठीक है, क्वेश्चन की, मतलब जो 5 मार्क्स का उसको भी देख लो आप किस तरीके से उसने डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना, 1 मार्क में, 2 मार्क में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझनी है कि कोई भी पूरा का पूरा लंबा क्वेश्चन नहीं आता 5 मार्क्स में, डिवीजन करके आ रहा है 5 मार्क्स में। देख लो कोई 1 मार्क का आ रहा है, कोई 2 मार्क का, और कुछ आपके पास 3 मार्क्स का, तो मतलब उस तरीके से यहाँ पर नंबर आपको दिए जा रहे हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर इस वाले में अगर आप देख रहे हो तो ये 3 मार्क का हो गया, ये नीचे वाला ये 1 मार्क का हो गया, 4 ये हो गया आपके पास, ठीक है, इसमें, और 1 नंबर यहाँ पर ये ऊपर इस चीज का मिल गया आपको, ये देखो यहाँ पर 4 वाला जो क्वेश्चन था 33rd वाला, उसमें। तो ये तरीका है आपके पास, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मार्किंग हो रही है आपकी, किस तरीके से आपका पेपर आएगा, ठीक है ना। तो मेन है पेपर किस तरीके से आएगा उसको आपको पता होना चाहिए पहले से ही, ठीक है, ताकि आपको ये रहे कि इस तरीके से ही आपको तैयारी करनी है अपनी कि किस तरीके से पेपर आपका आने वाला है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से पेपर आना है आपका, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और जो मैं साथ साथ आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है, वो सब आप पढ़ते चले जाओ। कुछ हमारी वीडियोज हैं जो कि हमारी रजिस्टर पे की हुई है, ठीक है, बनाई हुई है वीडियोज, वो आप देख सकते हो, उसमें पूरा ही सिलेबस है आपका 12th का। और न्यू वीडियोस जो है व्हाइट बोर्ड पे वो आपकी चली रही हैं, ठीक है, उनको भी हम कर ही रहे हैं, तो वो भी आप साथ साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है इतनी बात। तो मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, तो मुझे लगा कि ये आपको बता दूं मैं सारी चीज, ठीक है। तो तैयारी करो अच्छे से, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।